सांसद संबल के चंदोसी नगर पालिका परिषद में जो काम शासन से आए ईओ ने नहीं किया वो कार्यवाहक ईओ ने किया। जनपद संबल के चंदोसी नगर पालिका परिषद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व नगर पालिका परिषद में कार्यरत कुछ चतुर श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई थी, लेकिन उनका वेतन नहीं मिल पा रहा था। इस बीच नगर पालिका परिषद में 3 ईओ तैनात रहे, लेकिन उन्होंने उन कर्मचारियों का नया वेतन स्वीकृत नहीं किया। इस बीच यहाँ तैनात रही अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण के बाद कुछ समय के लिए यहाँ खाद्य एवं सफाई निरीक्षक के रूप में तैनात राजीव कुमार राजपूत का कार्यवाहक ईओ का कार्यभार दिया गया, जिन्होंने कार्यवाहक ईओ का पद ग्रहण करने के तुरंत बाद इन कर्मचारियों का नया वेतन स्वीकृत कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि जो काम शासन से भेजे गए ईओ नहीं कर पाए वे कार्यवाहक ईओ ने कैसे कर दिया। इस विषय में जब कार्यवाहक ईओ के रूप में तैनात रहे राजीव कुमार राजपूत से सवाल किया गया तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वही वर्तमान में तैनात अधिशासी अधिकारी राजकुमार का कहना है कि ये प्रकरण मेरे से पूर्व का है। नगर पालिका परिषद में 3 ईओ तैनात रहे, लेकिन उन्होंने उन कर्मचारियों का नया वेतन स्वीकृत नहीं किया। इस मामले की जांच होनी चाहिए कि शासन से आए अधिशासी अधिकारियों ने वेतन नहीं निकालने दिया, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी ने वेतन कैसे निकलवा दिया। तो मैं नहीं जानता जिसका प्रमोशन हो गया, नहीं आपके जिसका प्रमोशन हो गया उसको उस पद का वेतन मिलना चाहिए था जिस पद पे वो काम कर रहा है। अब हाँ तो मैं बता रहा हूँ, किसने दिया किसने नहीं दिया ये तो मैं तो यही आ रहा है कि आपके समय में वो पेमेंट हुए हैं जो कि 6-6, 7-7 साल से अटके हुए थे। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा तो उसमें ये क्या था कि जो वो पुराने शासन से ईओ आते थे वो वेतन नहीं लगाते थे, नहीं लगाया या क्यों लगाया ये तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो क्या जाँच करता, मेरे तो जो है मेरे सामने फाइल आई, फाइल मैंने देखी, प्रमोशन था, उसी पद पे वो काम कर रहे थे, उसी पद का जो है उनको वेतन उससे कम मिल रहा था, मैंने जो है उस पद का उनको वेतन दिया और ये तो सही काम किया। अच्छा, वो कितने साल पहले प्रमोशन हुए थे उन लोगों से? मेरे सामने ही हुए थे वो, आपके साथ? हाँ, मेरे कार्यकाल में था, वहाँ पे जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम देख रहा था अपने पद का, तब उस समय उनके प्रमोशन हुए थे। चार थे या पाँच थे। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जो शासन से यू आए उन्होंने उनका पेमेंट नहीं किया या उन लोगों को मतलब प्रमोशन नहीं, मैं बता तो रहा उन्होंने क्यों नहीं किया इस बारे में मैं नहीं समझ। चार पाँच लोग आया, अमिताभ वरुण जी की बात ही आपको किया था वो चार। अच्छा, आप कितने महीने तक यू रहे यहाँ पर? मैं लगभग 2 माह। सर, ये आपके कार्यकाल से पहले एक मामला सामने आया है जिसमें राजपूत जी को कुछ समय के लिए ईओ का कार्यभार दिया था, तो उसमें मामला ये था कि जो उनसे पहले शासन से ईओ आए तो उन लोगों ने तो वो काम किया नहीं, लेकिन उन्होंने उसमें जो है स्वीकृति कर दी, जैसे कि कुछ सफाई नायकों का प्रमोशन हुआ था और कुछ ठेकेदारों की पेमेंट हुई थी। सर, क्या मामला है वो? देखिए, ऐसा जो प्रमोशन की बात है, 4 लोग ऐसे थे जिनका प्रमोशन पूर्व अध्यक्ष द्वारा किया गया। बाबू संबर के प्रमोशन की बात करें अगर तो ये अध्यक्ष में पावर नहीं थी, तो उनके द्वारा किया गया था। और इसके बाद शासी अधिकारी के रूप में राजपूत जी जब बने तो उन्होंने उनका वेतन निकाला और इसके बाद हम कंटिन्यू चल रहा है, ये स्थिति है। लेकिन इससे पहले शासन जितने भी युवा उन्होंने तो नहीं किया उस काम को, लेकिन इन्होंने बैठते कर दिया, तो ऐसा क्या था जो पहले वाले जो शासन से युवा उन्होंने नहीं किया और इन्होंने कर दिया? इसमें पहले वाले नहीं किया और इन्होंने कर दिया, ये तो जांच का विषय है कि अगर पहले वाले नहीं किए क्यों नहीं किए तो। लेकिन यदि अगर प्रमोशन हुआ है सही तरीके से तो वेतन देने में कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ये तो फाइलों को देखें तो उपरांत ही देखा जा सकता पुराने यूज क्यों नहीं किए। मेरे समय में ये जरूर था कि मैं जब आया तो वेतन इन्हें कंटिन्यू दिया जा रहा था, ऐसा कोई सामने नहीं आया कि नई बात हो कि मेरे द्वारा कुछ किया गया। नहीं, जैसे शासन से कोई एक अगर यू नहीं करता तो अलग बात है, लेकिन उनसे पहले 3-4 यू ने नहीं किया। देखिए, जो शासन द्वारा इन्हें 2 महीने का या 3 महीने का जो भी कार्यकाल राज्य यू बनाया गया, तो चूँकि फुल प्लेस उनके अंदर वित्तीय पावर निहित की गई, तो जिसमें वित्तीय पावर निहित होती है तो वह एक तरह से फुल प्लेस यू के रूप में उसके कार्य दायित्व होते हैं, जिसका निर्वहन करते हुए हो सकता है उनको उन्होंने इसको किया।